लाउडस्पीकर पर अजान का विरोध और हनुमान चालीसा करवाने का ऐलान करवाने वाले मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने अब अयोध्या में रामलला के दर्शन की इच्छा प्रकट की है। वहीं दूसरी तरफ अपने भाई उद्धव ठाकरे के खिलाफ वह मोर्चा भी खोल चुके हैं। इन्हीं सबके बीच अब मनसे प्रमुख योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात करना चाहते हैं। वैसे तो ये तीनों बिंदु राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत मायने रखते हैं, लेकिन अयोध्या जाने को लेकर आए बयान के बाद से राज ठाकरे का जहां भाजपा सांसद ने विरोध कर उन्हें अयोध्या न आने तक की नसीहत दे डाली, वहीं दूसरे भाजपा के सांसद ने अब राज ठाकरे के आगमन को लेकर स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में प्रभु के दर्शन के लिए हर कोई स्वतंत्र है। सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह एवं भाजपा के कद्दावर नेता ने मनसे प्रमुख के अयोध्या आगमन को राजनीति बताते हुए निशाना साधा और कहा कि उत्तर भारतीयों के अपमान के बाद यहीं आकर अब वह राजनीति करना चाहते हैं। सांसद ब्रजभूषण ने कहा कि राज ठाकरे को अयोध्या में घुसने नहीं दूंगा, उन्हीं का वो दर्शन करना चाहते हैं। हम उत्तर भारतीय के लोग ही नहीं, पूरे देश के लोग अपने आप को भगवान राम का ही वंशज मानते हैं, और भगवान राम के वंशजों को भी को ही आप भैया कहोगे, भैया भैया कहोगे, अपराधी कहोगे, पीटोगे और राजनीति करने के लिए राम जी का दर्शन करोगे, हम ही को मारोगे और हमारा नाम लेकर के राजनीति करोगे, ये नहीं होने दूंगा। क्या करेंगे आप? जो करेंगे दुनिया देखेगी। नहीं, जैसे वो एयरपोर्ट से आएंगे तो फिर कैसे नहीं आने देंगे? बस आप एक बात जान लो, उनको घुसने नहीं दूंगा, वो एयरपोर्ट से आवे या ट्रेन से आवे, अयोध्या में उनको घुसने नहीं दूंगा, लखनऊ की धरती पर उनको पैर नहीं रखने दूंगा। और हम नहीं, उत्तर भारतीय तैयार है इसके लिए, इसके लिए पंजाब तैयार है। राज ठाकरे को लेकर भाजपा सांसदों में मतभेद देखने को मिल रहा है, जहां सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने पूरी तैयारी कर राज ठाकरे के विरोध करने का मन बना लिया है। वहीं अयोध्या के सांसद एवं भाजपा नेता लल्लू सिंह ने एक बयान जारी किया, जिसके बाद भाजपाइयों के बीच मतभेद की बात खुलकर सामने आ गई। दरअसल ब्रजभूषण शरण सिंह के राज ठाकरे के विरोध के बाद सांसद लल्लू सिंह ने राज ठाकरे के आगमन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अयोध्या प्रभु का धाम है, उनके दर्शन करने को हर कोई स्वतंत्र है, इसलिए वह प्रभु श्री राम की शरण में आ रहे हैं, और जो भी प्रभु श्री राम की शरण में आएगा, हम अयोध्या के राम भक्तों के सेवक होने के नाते उनका हार्दिक स्वागत है। लल्लू सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने तो यहाँ तक कह डाला कि राज ठाकरे मोदी जी की शरण में जाकर अपना और महाराष्ट्र का कल्याण करें। साथ ही साथ ईश्वर प्रभु श्री राम से हमारी यही प्रार्थना है कि राज ठाकरे को वह सद्बुद्धि दें कि वह मोदी जी की शरण में जाकर के अपना और महाराष्ट्र का कल्याण करें। अपने भाई उद्धव ठाकरे का जमकर विरोध करना, योगी की तारीफ करने के बाद राज ठाकरे का अयोध्या में कार्यक्रम राजनीतिक परिदृश्य से काफी महत्वपूर्ण होता जा रहा है, लेकिन मनसे प्रमुख का सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के द्वारा किए जा रहे विरोध राजनीति के गलियारों में अलग ही गर्मी बढ़ा रहे हैं। इस बढ़ती गर्मी को सांसद लल्लू सिंह के बयान ने खुशनुमा तो बना दिया, लेकिन अब भाजपाइयों में उपापोह की स्थिति जरूर बन गई है। अगर दोनों नेताओं के मतों की वकालत करें तो अयोध्या आगमन को लेकर दोनों सांसदों का मत अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन दोनों सांसदों के बयानों में विरोधाभास को लेकर भाजपा की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। ऐसे में कसमकस में फंसे राज ठाकरे अपने अयोध्या दौरे को राजनीतिक तरीके से कितना सफल सिद्ध कर पाएंगे, योगी से उनकी मुलाकात होगी या नहीं, उत्तर भारतीयों से वह माफी मांगेंगे या नहीं, ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब भविष्य के गर्त में ही दबा है।